आज यहाँ मीटिंग में आने का साथ साथ हमें ये पता चला था कि क्योंकि बर्फ काफी हेवी गिर रहा है तवांग में और सेला में ब्लॉक हो गया है, तो सेला में ब्लॉक हो गया तो डीसी मैडम हमको आके बोला कि काफी पब्लिक लोग इस पार भी फंसे हुए हैं और उस पार भी फंसे हुए हैं। तो तुरंत हमने ये ऑर्डर दिया कि बीआरओ को बात करके जब 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 सेला टनल बंद होता है उद्घाटन से पहले सेला टनल को आज से पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। तो अभी तुरंत आज से पब्लिक के लिए खोल देगा जब जब सेला टनल बंद होगा, ठीक है। हम लोग काम करके कनेक्टिविटी को और भी अच्छा हम लोग बना रहा है। अभी यहाँ से कुछ ही दिनों बाद सेला टनल, दो टनल है वहाँ पे, वो दोनों टनल का काम कंप्लीट हो चुका है। इसका भी उद्घाटन बहुत ही जल्दी मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्च फर्स्ट वीक ये दो सेला टनल का भी उद्घाटन करके पब्लिक को डेडिकेट किया जाएगा। ऐसा वक्त, ऐसा समय पहले कभी नहीं था, यही समय है, सही समय है। देखिए बर्फ की कितनी मोटी चादर, ये आपको सेला पास, उधर सेला पास है, उधर सेला टनल है, वो वेलकम टू सेला टनल। और ये देखिए चारों तरफ बर्फ, ये देखिए ये बर्फ है। आप कहाँ भी से उधर देखो, पूरा दिखाओ, पूरा वीडियो वो वीडियो लो। वेलकम टू सर। কেনে কেনে লাগিছে একদম বঢ়িয়া। আপনি আহিছে নাই তাৰ পৰা? নাই নাই কলে পৰা নাই কিবা যোৱা নাই, খালি তো গাড়ী চুটা কৰো দেখা থাকে প্ৰগ্ৰাম মে আছে।
ये देखिए हो गया कितना खींचे ठीक है। जाते जाते गाड़ी को हाँ 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 सिला पास कितना दूर है अभी थोड़ा सा उसके बाद तो उतरने गए अपन नहीं रुके क्या उधर से स्नोफॉल चालू छे सिला पास क्रॉस करी रहे छे चालू छे चंपक भाई मैडम लोग सर लोग बड़े मजे में है सब आना नो फॉल इन तवांग बधा व्हीकले टायरोमां चेन लगाड़ी छे अहीं स्नोफॉल बहु हेवी छे सेला पास परथी निकली रहे छे अमारी गाड़ी टायर में चेन लगी गई हमारे साथ ये सारे आप देख रहे हैं ये सब टूरिस्ट आए यहाँ पे जो सेला टनल है सेला टनल की अभी इनॉग्रेशन नहीं हुई है लेकिन ये तवांग घूमने आए थे लेकिन इनका एक हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा जो कल एक तूफान में जो बर्फीला तूफान था उसमें ये फंसे और लकीली आर्मी की मदद के द्वारा इनको ये सेला टनल को टाइम बींग के लिए खोला गया और ये सब आए इनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे किस प्रकार ये बर्फीले तूफान में फंसे। सर सबसे पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा ये It was a rare experience, but unfortunately it was a bad experience, of course. Then there are no facilities in Sena, then no tea, coffee, even toilets are not available. There is no restaurant, nothing, no facilities. That was a bad experience. So who helped you ultimately? Ultimately, army people helped us, army and local police, they helped us.
and they opened the road tunnel for us with the help of Chief Minister. We are very thankful to him. Sir, how was the scenario that time during that thunderstorm? It was very bad. That we had jammed in traffic. We got jammed up for about 5 hours, and then we were provided a small room by army people with a tunnel. With a heater. So we could spend the night, whole night. We had to sit on the chair and spend our whole night on the chair. अच्छा मैडम, कैसा लगा ये पहली बार इतनी दूर आप आए? लेकिन है सीनरी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो बर्फीला है वो टेरिफिक था, और हमको एक्सपीरियंस तो गुड भी हुआ और बैड भी हुआ, लेकिन जो आप जो टनल खोल दिया उसकी वजह से वेरी थैंकफुल। चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया था यार, हाँ इसलिए वेरी थैंकफुल टू देम। आए कहाँ से आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हैं। मुंबई से? बॉम्बे से। अच्छा, तो आपको मैडम कैसा लगा पहली बार अरुणाचल आए, लेकिन इतनी सुंदर जगह, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जो बर्फीला हमें एक्सपीरियंस हुआ इट वॉज हॉरिबल एंड लाइफ टाइम मेमोरेबल, एंड इट वॉज रियली थैंकफुल टू सीएम के अपने खोल दिया टनल और हम आ पाए, नहीं तो हम आ नहीं सकते थे शायद कल भी। ऐसा लगा एक पल के लिए बहुत डरावना महसूस हुआ? नहीं, साथ में थे तो वाना नहीं, साथ में थे तो चल रहा, लेकिन डरावना तो था ही। अगर इतनी 14,000 फीट के ऊपर अगर कुछ किसी को तकलीफ हुए तो कोई डॉक्टर कोई सगवर कुछ नहीं ना, ऐसे मतलब तो पता नहीं क्या होता तब तो, लेकिन थैंकफुल। डर तो था ही, क्योंकि वी वर बिटवीन डेथ एंड लाइफ, वी वर नॉट नोइंग वेदर वी विल बी एबल टू कम बैक और नॉट, बिकॉज इट वॉज इट वी वर स्टक ऑन 13,700 feet एंड देयर वॉज हैवी स्नो फॉल एंड लाइक इज अ हरिकेन यू नो, एंड इट वॉज वेरी डेंजरस दैट टाइम, एंड देयर वर नो फैसिलिटीज ऑफ washrooms and anything. So for 24 hours we were there only. So Chief Minister ने ये जो order दिया कि सेला tunnel को emergency में खोल दिया जाए, कैसा लगा? Yeah, emergency में खोला, and thanks very much thanks to CM that he allowed us to go from that tunnel and we were able to come back to Diyang. तो ये हमारे साथ थे यहाँ जो मुंबई से महाराष्ट्र से ये सारे परिवार के लोग आए, 70 प्लस अलग अलग जितने सीनियर सिटीजन हैं उनसे हम जानेंगे। मैडम कैसा लगा? डर लगा था? नहीं, डर तो नहीं लगा था क्योंकि हम लोग सब साथ में थे, लेकिन ऐसे जब बैठे थे तो अभी हमको ऐसा लगा कि हम जीवन मृत्यु के बीच में बैठ रखे, और 24 आवर्स नो टॉयलेट नो पोटी नो कुछ नहीं, तो कैसे रह सकते हैं, ऐसे लगा, लेकिन निकाल दिया और जो खराब समय था वो हमारा निकल गया। वो गाड़ी में ही थे आप लोग? नहीं, हम गाड़ी में नहीं थे, तो वो आर्मी के टेंट में थे, उधर हमको हीटर जैसा कुछ मिला था, वो सिगड़ी का जैसा था, इसलिए हम लोग चेयर पे बैठ पा रहे, वरना तो क्या होता था वो अभी हम लोग माइंड में भी सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हुआ था। अभी आर्मी के धन्यवाद देंगे आप आर्मी के लोग? 100% हम आर्मी को तो खूब धन्यवाद देते, और वो सीएम को भी जो टनल खोल दिया, लेकिन जो लास्ट एंड हाइट है उसी पे ही हम लोग अटक गए, तो उधर थोड़ा सगवर चाहिए क्योंकि अभी लेडीज लोग रहता है तो थोड़ा बहुत तो टॉयलेट फोटो वो सब होना। कैसा है? कितनी गाड़ियां होंगी अंदाजा? करीबन 25-30 गाड़ियां फंसी हुई थी वहां, और 4-5 टेम्पो ट्रैवलर थे। कैसा लगा? डर लगा था आप लोगों को? डर तो लगा नहीं था इतना, लेकिन फंस गए थे कि यहाँ से कब कैसे निकलेंगे, और वहाँ जो बीएसएफ की कैंटीन थी उसके अंदर हमको जगह मिल गई, और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमको, थैंक्स फॉर बीएसएफ एंड थैंक्स। कैसा लगा अरुणाचल आगे? कैसा लगा अरुणाचल? इज ब्यूटीफुल, वेरी गुड अरुणाचल सर। अच्छा लगा? अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनरिक एंड गुड, वेरी गुड। ये हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से आए थे ये सारे पर्यटक हैं, सीनियर सिटीजन हैं 70 प्लस, इनको एक हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ बर्फीले तूफान का सेला पास में, जहां सेला टनल को इमरजेंसी में चीफ मिनिस्टर अरुणाचल ने ऑर्डर दिया, उद्घाटन से पहले ही सेला टनल को इमरजेंसी जो टूरिस्ट आते हैं या मेडिकल सर्विसेज सबके लिए खोला जाए, ये चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर था, जिसकी वजह से इनको सेला टनल के द्वारा यहां पे आए। अभी दिरांग में इस वक्त हैं, इनका एक्सपीरियंस एक हॉरिबल था, डर भी लगा, लेकिन आर्मी ने मदद करी और ये जो सेला टनल को खोला गया, इन सब ने शुक्रिया, इनको सबको थैंक्स दिया। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम दिरांग। ये जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ जो पायलट ड्राइवर थे उन्होंने बहुत मदद करी। आपको सर क्या बहुत बड़ा तूफान था?
हाँ, बहुत बड़ा तूफान था, इसके बर्फबारी बहुत हो रहा था उधर। इसके बाद उधर में रहने के लिए मुश्किल था। ये सारो टूरिस्ट मेरे उधर एक रात गुजारे, एसएसबी जो मिलिट्री का बेस कैंप था उधर गुजारा है एक रात। इसके बाद लकीली हम लोग बस के आ गए और ये लोग वापस आ गए। आर्मी ने मदद करी? हाँ, आर्मी ने मतलब मदद किया, एसएसबी वालों ने मदद किया है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ने। कैसे गई गाड़ियाँ जा रही थी आप लोग? कितनी गाड़ियाँ फंसी? गाड़ी मोर देन 30 से अबव था। खाना पीना रहना इनको क्या बहुत तकलीफ? और बहुत तकलीफ हुआ था। उसके बाद एसएसबी ने मैगी वगैरह बना के दिया, बाकी तो खाना तो छोड़ो, उधर तो आग वगैरह कुछ भी नहीं था। सेला टनल को खुला गया, उससे बेनिफिट मिला? हाँ बिल्कुल 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 मिला हम लोग को। सेला टनल खुल गया, बहुत अच्छा हो गया। बाकी ये ऊपर से सेला टॉप से आने से तो बिल्कुल एकदम पॉसिबल नहीं है, अभी भी पॉसिबल नहीं है। उधर को क्या चेन लगा के जाना पड़ता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेन लगा के जाना पड़ता है। आपने इतने डर लगा, इतने सीनियर सिटीजन थे, बिल्कुल बिल्कुल तो यंग है, बिल्कुल आपकी तरफ से उनको सहारा मिला? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से हम जितना हो सके हम वो लोग को मदद किया है। और हम लोग तो आता रहता है, हम लोग का एक्सपीरियंस तो रहा वो है, वही बस। और मैसेज देंगे ड्राइवर्स को कि चेन हमेशा रखी जाए? बिल्कुल, सभी ड्राइवर्स अपने हाथ में चेन कैरी करिए, और अपने सेफ्टी के लिए जो ब्लैंकेट वगैरह स्लीपिंग बैग वगैरह। सेला टनल तवांग के रास्ते को जाता है, बर्फीले पहाड़ है ऊपर। तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सेला टॉप, जो सेला एक टनल बनाया गया, सेला पा गया, सेला पास में वहाँ काफी ज्यादा टूरिस्ट, कल महाराष्ट्र से और अलग अलग जगह से 30 से ज्यादा गाड़ियां फंसी बर्फीले तूफान में। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, ना फैसिलिटीज थी वहाँ, ना बात रहने की कुछ सुविधा, ना खाने पीने की सुविधा। कई घंटों तक टूरिस्ट को वहाँ बर्फीले तूफान में फंस के रहना पड़ा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने एक आदेश दिया कि सेला टनल जो है, जिसका उद्घाटन होना है मार्च में प्रधानमंत्री द्वारा, उसको इमिडिएटली खोला जाए टूरिस्ट के लिए। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इस सेला टनल को पेमा खांडू की रिक्वेस्ट से, उनके ऑर्डर से इस सेला टनल को टूरिस्ट के लिए खोला गया। जितने पर्यटक हैं उनके लिए खोला गया, काफी उनको दिक्कतें आ रही थी, टनल को खोल दिया गया क्योंकि बर्फबारी की वजह से। ये जो सेला पास का रास्ता है आप देखिए, यहाँ बर्फ हर जगह आपको दिखाई देगी। ये सेला टनल जाने का रास्ता है। इस सेला टनल को अपने उद्घाटन से पहले खोल दिया गया, इमरजेंसी सर्विसेज ही, और यहाँ डिफेंस की गाड़ियां हैं जिनको सेला टनल से जाने की इजाजत दी गई है। हम आपको सेला टनल को भी दिखाएंगे। और ये देखिए, ये सारी आर्मी की गाड़ियां, और इस वक्त वो जो रास्ता था मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो जो रास्ता है बर्फ की वजह से, बर्फबारी हुई, बर्फ का तूफान आया, एक लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। माला पास में एक बर्फीला तूफान आया, काफी ज्यादा गाड़ियां फंसी। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखिए बर्फ, बर्फ का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये देखिए कितनी बर्फ है यहाँ, ये चेन लगा के गाड़ियां आ रही है, ये सारी गाड़ियां जो है चेन लगा के आपको दिखाई देगी गाड़ियां। ये मेरे पीछे आप देखिए बर्फ, बर्फ का मंजर देखिए, इतनी ज्यादा मोटी परत है बर्फ की। ये ऊपर आपको हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ऊपर तक बहुत ज्यादा, कई गुना, कई फीट मोटी बर्फ की परत यहां पे गिरी गई। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस सेला टनल को इमरजेंसी टूरिस्ट के लिए, गवर्नमेंट मशीनरीज जो गाड़ियां चलती हैं, डिफेंस की जो गाड़ियां चलती हैं, उन सभी को इस टनल का इस्तेमाल करने दिया। क्योंकि उद्घाटन से पहले, उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन लोगों की सेफ्टी और सुरक्षा को देखकर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया इस सेला टनल को खोलने के लिए। कई सारी गाड़ियां रुकी हुई है, तो हम तो बोल रहे हैं कि ऊपर जाना बहुत खतरियों से खाली नहीं है, बर्फ गिरी होगी। ये देखिए आप, इस वक्त हम आपको जाके दिखाएंगे, ये देखिए बर्फीला तूफान आया कल, और बर्फ की परख जो देखिए आप, कितनी मोटी बर्फ की परख है, कितनी मोटी बर्फ की परख है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है। सेला टनल खोला गया है टूरिस्ट के लिए। वी आर हियर एट तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड बिहाइंड मी यू कैन सी दिस इज सेला टनल। इट हैज नॉट बीन इनोग्रेटेड येट, बट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ही गेव अ स्पेशल ऑर्डर टू ओपन दिस सेला टनल बिकॉज देयर वॉज अ हैवी warnings of avalanche, and you can see behind me there is a heavy snowfall here. Yesterday more than 30 vehicles got stuck here, you can see.
Prime Minister Modi will inaugurate this Sela tunnel. Ahead of this inauguration, this tunnel has been opened for tourists and the vehicles of defense because इसके लिए इस टनल को बनाया गया और ये टनल इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। एक बर्फीला तूफान आया जिसकी वजह से काफी गाड़ियां फंस गई थी। आपको हम दिखाएंगे बर्फबारी का जो आलम है यहाँ पे काफी ज्यादा फीट तक। ये देखिए आप मेरे पीछे पूरी तरफ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको, बर्फ की परख मिलेगी। और ये जो टनल को खोला गया है इसी को मद्देनजर देखते हुए, क्योंकि काफी गाड़ियां, काफी टूरिस्ट और जो आर्मी की व्हीकल्स है, जितनी डिफेंस की गाड़ियां हैं, सब गाड़ियों की आवाजाही को जाने देने के लिए ये बर्फ की काफी मोटी परख है, जिसकी वजह से इस जो सेला पास है तवांग में, इस सेला टनल को खोला गया। आप देखिए वो गाड़ियां आ रही है, इसका उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक। ये देखिए गाड़ियां इस सेला टनल को क्रॉस करेंगी और आगे तो और भी ज्यादा बर्फबारी हुई जिसकी वजह से तवांग जाना भी मुश्किल हो चुका है। मुश्किल बिना सिंह में मुश्किल है, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ हम लोग अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, सेला टनल खुल चुका है टूरिस्ट के लिए उद्घाटन से पहले। और यहाँ जितने टूरिस्ट आप देख रहे हैं सब बर्फ को देखने के लिए, अरुणाचल की बर्फबारी को, अरुणाचल के तवांग को विटनेस करने के लिए। अभी हमने देखा बंगाल से भी पर्यटक आए हैं जो हम इनसे जानेंगे। सर कैसा लगा ये बर्फबारी को देख के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सुंदर। क्या डर लगता है बर्फ से? डर तो नहीं लगा आपने? नहीं डर नहीं लगा, ठंड है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहा है। जो कितना खूबसूरत है आप लोग, नेचर बहुत खूबसूरत है, एंजॉयबल, मोस्ट एंजॉय। हाँ आई लव अरुणाचल प्रदेश, दिस इज बंगाल में बोलता है कि सूर्योदय का देश, यानी सनराइज जैसा होता है वो, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एंजॉय किया है। थैंक्स। कैसा लगा? कहाँ ऊपर जाएंगे? तवांग जाएंगे, बुमला पास देखेंगे, माधुरी लेक, होली वाटर सब देखेंगे। अरुणाचल में आके कैसा मतलब महसूस हुआ बर्फबारी को देखिए? नहीं मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब तो दार्जिलिंग जाते होंगे, उधर भी बर्फबारी होती है। हाँ, लेकिन दार्जिलिंग से बहुत अच्छा है यहाँ पे। शिमी ताबो कुंडू दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आए बर्फबारी को देखने के लिए, एक रिक्स भी था कि जगह जगह बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फंस रही है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन फिर भी टूरिस्ट इतने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि रिक्स लेके भी वो देखना चाहते हैं। अभी तो सेला टनल भी खोल दिया गया पर्यटकों के लिए। अरुणाचल प्रदेश जैसे इन्होंने कहा कि सबसे सुंदर में है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सेला टनल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और टूरिस्ट की संख्या देखिए, यहाँ पे सभी टूरिस्ट अपनी अपनी गाड़ियों में चेन लगाते हैं क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई, बर्फ की इतनी मोटी परख है, चारों तरफ बर्फ है। और ऊपर हमारे साथ ये लोकल टूरिस्ट है, लोकल स्थानीय निवासी है तवांग के, ये देखिए चेन लगा रहे हैं वो। सर हम जानेंगे सर चेन क्या मतलब, बिना चेन का बहुत मुश्किल होता है। हाँ बिना चेन का तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर जी, कैसे सर ये चेन कैसे लगाते हैं आप लोग, क्या खरीदते हैं अपने आप? हाँ ये हम लोग खरीद के हम लोग फैब्रिकेशन में खुद बना लेते हैं, डिजाइन दे के हमेशा लगते हैं। हाँ हमेशा लगता है। तो ये साल भर लगता है तवांग जाने में या कभी कभी जब? नहीं विंटर में तो सर हमेशा लगना लगता है। ये सेला टनल को खोल दिया गया, चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया कल की पब्लिक के लिए, आपको कैसा लगा खोलने पे, खुशी हुई? हाँ उसके लिए तो बहुत ये हमारा सरकार को पेमा खांडू को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारा हुआ नहीं उससे पहले ही खोल दिया। हाँ हाँ उसके लिए तो बहुत खुशी है क्योंकि ऊपर तरफ अभी तो सर जाने के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत ऊपर? हाँ मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बर्फ हुई बहुत ज्यादा? बर्फ बहुत ज्यादा बर्फ है सर। फ्रॉम वी केम फ्रॉम केरला। हाउ इज योर एक्सपीरियंस सर? या वेरी नाइस प्लेस एंड तवांग, वी विटनेस्ड ऑल द snowfall, the heavy snowfall and every all feeling of the snow, we got excellent snow feeling. And did you got scared because yesterday was not scared in last 2 days? Tomorrow we have to catch our flight, but the problem is for the last 2 days we are our plan is we are going to the Eagle Nest. Yesterday we are planning to go to Eagle Nest and all, but that is we are not able to go because of this thing, heavy snow falling block and all. Every day, yesterday and day before yesterday, we in the early morning, we used to come, and luckily today we got a good sunny day, and because of that, we will get an opportunity to get puts are full of any bad. You know, bad. There is absolutely no bad weather. Only the unprepared tourists. That is the
not of any tourists actually. If you are very well prepared, that you can handle any situation there. Did you got some facilities in Tawang, like lodging and all? Everything is good. Everything. Yes, usually we say my homestays look very friendly people, and their hospitality is excellent. Actually, all the homestays are. You came from which state? Dolma. Dolma. We stayed in the Dolma. You came from which state? From Kerala. Kerala. We from Kerala. Okay. So itself is a tourist hotspot. People used to go there in Kerala. Tourist spot actually. Arunachal is a different landscape according different to landscape. You don't have to. It's comparable and beyond that any European country actually. Okay. We have all the potential for the tourists. So what you will say, Dikaji, earlier people used to get stuck here because of the initiative of government. They had made two tunnels. So according exactly. Then from the Selap, actually we have to see the point, Selap point, top point, that is very beautiful. We are lucky that when we come, there is a sunny day, we can enjoy the top point and all. But we are going to return today, we are stuck here in the air because of the bad weather and all. But because of the tunnel only, we can come out because of this thing. If the tunnel is fully functioning, then we can easily go there. And even if we have a bad weather situation, we can try it out. The authorities, it's a big thanks to the authority for their excellent work and the entire team behind this tunnel, the two tunnel. Your name? I'm Dr. Sajish from Kerala. Okay. So we interacted with the tourists from Kerala and they appreciated the beauty of Arunachal Pradesh. And this is a Sela tunnel and people are usually coming to Arunachal Pradesh to see this snowfall. Heavy snowfall is going on in Arunachal Pradesh and people are getting stuck. They are using chains still. They are coming here to witness this beautiful snowfall and the beautiful scenario, landscape of Arunachal Pradesh. Yuvraj Mehta for India Today from Tawang.